हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सबका आपके अपने चैनल में बत्रा मैकेनिकल क्लब में। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ROI। ROI मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एस्टीमेशन एंड कैलकुलेशन। तो दोस्तों, कोस्टिंग के बाद हमारा एक और ये पार्ट होता है ROI, जिसके अंदर हमें पता लगता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर हमें वापस मिलेगी और उसके बाद क्या हमारा प्रॉफिट आएगा उसके रिगार्डिंग होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर भी पार्ट नेम आ जाता है, डेट आ जाती है और मॉडल आ जाएगा जिस चीज़ का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या नया प्रोडक्ट जो हम बनाना चाहते हैं। उसके बाद साल का हम इसमें वॉल्यूम देख लेंगे कि हम एक साल के अंदर उस प्रोडक्ट के कितने पीसीस बना के कस्टमर को दे रहे हैं। कस्टमर हमें एक रफ आइडिया दे देता है, उसके अकॉर्डिंगली हम वॉल्यूम को ले पाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने इसके अंदर कॉस्ट निकाल रखी है, पहले से 150 रुपीज़ कॉस्ट निकाली है पर सेट की कॉस्ट हमने सेट करी है। ये मैंने दो पाइप्स लिए हैं, एक राइट पाइप और एक लेफ्ट पाइप लिया है, तो उसकी कॉस्ट जो है फाइनलाइज करी है 150 रुपये। ये कैसे करी है ये आप मेरी बाकी वीडियोज़ के अंदर देख सकते हो, मैंने उसमें आपको दिखा रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर पूरा प्रोसेस आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो हम इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मैंने इसके अंदर रॉ मटेरियल या BOP ब्रॉट आउट पार्ट्स जो होते हैं उसकी कॉस्ट डिटेल ले रखी है। इसमें क्या ले रखा है, हमने मटेरियल ले लिया, एक पाइप L ले लिया और एक पाइप R, एक लेफ्ट हैंड साइड की पाइप और एक राइट हैंड साइड की। इसका मटेरियल मैंने लिख दिया आपको ERW। ERW एक ग्रेड होता है जिसकी पाइप बनी होती है। उसके बाद मैंने ग्रॉस वेट ले लिया कि पाइप के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ उससे पहले क्या क्या वेट था, तो एक वेट मैंने आपको 2 kg दिखा दिया और एक वेट हमने आपको 1 kg दिखा दिया। उसके बाद जब स्क्रैप वगैरह निकल जाता है उसके बाद हमने नेट वेट निकाल लिया। नेट वेट इसमें 1.93 kg आया और नीचे वाले का 0.95 kg। उसके बाद जो रॉ मटेरियल का हमारा रेट पर kg दे रखा है 41.75 मैंने रेट ले रखा है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं, स्क्रैप कॉस्ट माइनस करते हैं, तो ऊपर वाले जो पाइप है उसका वेट, उसका जो रेट आया 82.35 रुपीज़ आया और जो आर वाला पाइप है उसका रेट जो आया वो 40.99 रुपीज़ आया। तो दोस्तों, हमारी टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट जो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 123.34 रुपीज़ आ चुकी है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद हमने इसकी थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या ऑपरेशन हुए हैं, रेट पर ऑपरेशन क्या लिया, नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या लिए। तो पाइप एल के अंदर हम 4 ऑपरेशन कर रहे हैं, एक बेंडिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। बेंडिंग का रेट, जो भी बाकी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का रेट, लेबर रेट, उन सब के ऊपर डिपेंड करता है और हम प्रोसेसिंग रेट निकालते हैं। तो बेंडिंग का जो रेट आया मेरा 2 रुपीज़ पर ऑपरेशन मैंने लिया है और 2 बेंड है तो टोटल 4 रुपये कॉस्ट होगी। ऐसे ही हमने कटिंग का जो रेट लिया है 1 रुपीज़ लिया है, एक ही कटिंग है उसके अंदर, तो कॉस्ट 1 रुपीज़ आ गई। ड्रिलिंग का हमने 1 रुपीज़ रेट लिया है और एक ही ड्रिलिंग ऑपरेशन एक पाइप में है तो 1 रुपये, तो टोटल 6 रुपये कॉस्ट आ गई। सिमिलरली पाइप आर की भी हमने कॉस्टिंग ले रखी है, बेंडिंग, कटिंग, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का हमने कोई चार्जेस नहीं लिया इसके अंदर, वो हमने ऊपर ही इंक्लूड कर दिया है। तो टोटल 6 और 5 मिला के 11 रुपीज़ टोटल हमारा जो है प्रोसेस कॉस्ट इसके अंदर मैंने दिखा रखी है। तो जो मेरी रॉ मटेरियल कॉस्ट आई थी फर्स्ट में 123.34 प्लस मेरी जो प्रोसेस कॉस्ट आई है, उन दोनों को मिला के मेरा जो डी मैंने एक पार्ट लिया है जिसके अंदर मैंने रॉ मटेरियल प्लस प्रोसेस कॉस्ट बी प्लस सी दिखा रखा है, 134.34 ले रखा है। उसके बाद दोस्तों, कंपनी अपने हिसाब से ओवरहेड चार्जेस करती है तो मैंने इसमें ओवरहेड चार्जेस 15 रुपीज़ ले रखे ऑन सी। सी मीन्स ओनली प्रोसेस कॉस्ट के ऊपर ही हम ओवरहेड कॉस्ट जो है होती है डिपेंड वो करते हैं, चार्ज करते हैं, तो मेरा 1.65 रुपीज़ आ गया। रिजेक्शन मेरे को लगा इसके अंदर कम होती है बिकॉज हमारा पाइप मोटा है और ड्रिल का साइज भी बड़ा है और इसके फिर रिजेक्शन हमने 0.5% लिया है। ICC क्या होता है, आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होती है, जो भी हम स्टॉक इकट्ठा करते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन में आ जाती है, तो ICC हमारी जो एक्स्ट्रा मटेरियल, हम रॉ मटेरियल लगा लो या फिर बना हुआ प्रोडक्ट लगा लो, उनको रखने के लिए जो स्पेस हम हायर करते हैं उसका जो रेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली ही हम लेते हैं, तो ये मैंने 1% ले रखा है। आफ्टर दैट डाई मेंटेनेंस कॉस्ट हमने 2% ले रखी है ऑन प्रोसेस कॉस्ट, कि डाइयाँ चेंज होती रहती है, उनके अंदर कोई ना कोई वर्क होता रहता है, तो उन सबको मिला के हमने 2% चार्ज करा हुआ है। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग कॉस्ट अभी हमने नहीं लिया इसके अंदर। स्पेस रेंट हमने ले रखा है 1330 रुपीज़ लिया पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से, तो स्पेस रिक्वायरमेंट हमारी 200 मीटर स्क्वायर है इस पूरी लाइन को सेटअप करने के लिए। तो वॉल्यूम जो हमने कंसीडर करा इसके अंदर 1400 पर डे के अकॉर्डिंगली करा है, तो हमारा 0.53 आ जाता है स्पेस रेंट। दोस्तों, टोटल कॉस्ट टू कंपनी जो आई है ये सबको ऐड करके 138.64 रुपीज़ आई है, जो हमें लागत पड़ रही है
हर चीज़ को कैलकुलेट करके मैंने वॉल्यूम पर ईयर लेके चल रहा हूँ। 2000 पर डे हम क्या कर रहे हैं, इसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो साल के अंदर हमारा कितना हो रहा है, 6 लाख हो रहा है। ये कैसे हो रहा है कि जैसे हमने 2 शिफ्ट्स ली हैं, उसके अंदर एक दिन का हमने 2000 लगा दिया, 25 वर्किंग डेज लेके चलते हैं हम इसके अंदर और 12 महीने लेके चलते हैं। तो आप इन तीनों को जब कैलकुलेट करेंगे आपस में तो आपका जो वॉल्यूम है वो 6 इतना आ जाएगा, 6 लाख के अराउंड आ जाएगा आपका। तो सेविंग पर पीस जो है ये 11.36 रुपीज़ आई है। टोटल कॉस्ट टू कंपनी हमने जो ली है, और आपको मैंने ऊपर कॉस्टिंग दिखा रखी थी कि सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने कॉस्ट ले रखी थी, तो कॉस्ट में से जब हम कॉस्ट टू कंपनी जो हम सेलिंग कॉस्ट कर रहे हैं और उसमें से कॉस्ट टू कंपनी माइनस करते हैं तो हमारी जो है सेविंग पर पीस निकल के आ जाती है। तो जब हम पर डे का निकाल रहे हैं, पर ईयर का निकाल रहे हैं, तो इतना जो है 68.15 जो है ये लाख के अंदर मैंने लिया है, तो इतने रुपीज जो हमारी सेविंग आ रही है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमने मशीन्स वगैरह पे करी हैं, टोटल लाइन सेटअप, स्पेस रेंट वगैरह सब कुछ लगा के, डाइज वगैरह लगा के, वो हमारे ये 170 लाख आई है। तो दोस्तों रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, रिटर्न हमें कब मिलेगा, देखो ये आया 2.49 ईयर्स। ये कैसे आया, हमारा जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है इसको हमने सेविंग पर ईयर से डिवाइड कर देते हैं, तो जो हमारी सेविंग है वही पैसा हमें वापस मिल रहा है। तो सैलरीज वगैरह सब निकाल के वही पैसा हमें वापस मिल रहा है, तो मेरे 2.5 साल के अंदर लगभग जो मेरा पैसा है वो पूरा हो रहा है। उसके बाद दोस्तों ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना हमने कैपिटल लगाया है उसके ऊपर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, कितने परसेंट रिटर्न मिल रहा है, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 40% के अराउंड हमारा जो है रिटर्न आ रहा है ये कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। हमने इसके अंदर अभी डेप्रिसिएशन जो है मशीन्स की वो कंसीडर नहीं करी है कि जैसे मशीन की जो डेप्रिसिएशन होती है 10 साल होती है, कोई मशीन 5 साल होती है, तो वो हमने कंसीडर नहीं करी है। उसके अलावा जो है वो हमने इसको कैलकुलेट करा है। दोस्तों जो अबव कैलकुलेशन करी है हमने 2 शिफ्ट के बेसिस पे करी है, हम 3 शिफ्ट के लिए भी अपनी मशीन को यूज़ कर सकते हैं, तो उससे हमारी प्रोडक्शन और बढ़ जाएगी और उससे हमारी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, जो टाइम पीरियड है वो बहुत और कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये ROI था, आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। Thank you very much.